नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों छोटा सा इन्फेक्शन बन सकता है जानलेवा, हो सकती है ये खतरनाक बीमारी। अगर आपके शरीर में कहीं थोड़ा सा कट या खरोंच लग जाती है और वह इन्फेक्शन का रूप ले लेता है और यह ज्यादा दिनों तक बना रहे तो उसे साधारण मत समझिए, इससे आपका जान भी जा सकती है। ये खतरनाक बीमारी सेप्सिस है। ये बीमारी खासकर बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। अगर इसका शुरुआत में ही ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो बीमारी को सीरियस होने से रोका जा सकता है। अगर समय में ध्यान नहीं दिया तो आपकी जान भी जा सकती है। सेप्सिस के संकेतों को सही समय पर पहचान कर इसका इलाज करवा लेना ही बेहतर ऑप्शन है। ऐसा नहीं करने पर ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इस कंडीशन को सीवियर सेप्सिस कहा जाता है। इससे आगे की थर्ड स्टेज को सेप्टिक शॉक कहा जाता है, जिसमें मरीज की मौत तक हो सकती है। जानिए क्या है ये लक्षण, कारण और किन लोगों को जल्दी होती है ये बीमारी। क्या है सेप्सिस? ये एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। ये एक संक्रामक घातक रोग है, लेकिन ब्लड बैक्टीरिया के संक्रमण द्वारा फैली बीमारी यानी सेप्सिस जानलेवा भी साबित हो सकती है। जब आपका शरीर जीवाणु संक्रमण के लिए तेज प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करता है, संक्रमण से लड़ने के लिए रक्त में संचारित रसायन की वजह से भयानक सूजन हो जाता है। इसकी वजह से रक्त के थक्के बनते हैं और रक्त वाहिकाओं से रिसाव होने लगता है, जिससे रक्त संचार खराब हो जाता है और आपके शरीर के अंग को पर्याप्त पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे आपके अंग काम करना बंद कर देते हैं। कारण: सेप्सिस एब्डोमिनल इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन के कारण होता है। लक्षण: बुखार आना, प्लेटलेट्स दिनों दिन कम होते जाना, यूरिन में कमी होना, बेवजह कमजोरी आना, बॉडी ठंडी रहना, सांस लेने में समस्या। इन लोगों को हो सकता है सेप्सिस। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, शिशु और बुजुर्ग व्यक्तियों को, जीर्ण रोग से ग्रस्त लोग जैसे मधुमेह, एड्स, कैंसर और गुर्दा या यकृत रोग, गंभीर जलन या शारीरिक आघात से पीड़ित लोग। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट व लाइक करें, और हम आप तक नई नई जानकारी पहुंचाते रहे इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।